वेलकम बैक टू द मैथ्स वॉरियर्स। देखिए, सबसे पहले मैं अपने बारे में बता देता हूँ। माई सेल्फ सचिन राठौर, और पिछले भी कई सारे वीडियो मेरे पड़े हुए हैं। मैं इस समय करंट में यूपी असिस्टेंट टीचर हूँ कानपुर नगर में, यानी कि होम डिस्ट्रिक्ट। अपने होम डिस्ट्रिक्ट में हूँ मैं, कहीं बाहर नहीं हूँ। तो एक्चुअली देखिए, मैंने कैसे यूपी टीटी निकाला, ठीक है, मतलब स्टेट टीटी, और इसके बाद सुपर टीटी निकाला, और कैसे मैं सिलेक्ट हुआ, ठीक है ना। तो इससे क्या है ना, इस वीडियो से मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि यार, मैथ्स का मैं टीचर हूँ और मैथ्स की चीजें बताऊंगा आपको, कैसे मेरे मैथ्स में 30 में 30 नंबर आए थे, ठीक है ना, टीटी में भी और सुपर टीटी में फुल ऑफ फुल मार्क्स आए थे। तो कैसे आए यार, आप लोगों की क्या दिक्कत होती है यार, बीटीसी वालों को और बीएड वालों को। मैं एक चीज देखता हूँ यार, मैं ऑब्जर्व करा है मैंने कि आप लोगों के बीटीसी में बैक बहुत ज्यादा आती है, बीटीसी में आती है, बीएड में आती है, ठीक है ना, बीएड में बहुत ज्यादा आती है, और सुपर टीटी नहीं निकल पाता लोगों का, केवल मैथ्स के चक्कर में। तो ऐसा क्या है यार, मैथ्स इतनी ज्यादा टफ क्यों बना रखी है आप लोगों ने कि आप लोगों के इतने ज्यादा नंबर नहीं आ पाते हैं, कहीं पासिंग मार्क्स भी नहीं ला पाते हैं आप लोग, क्यों नहीं ला पाते हैं? मैं कैसे ले आया फुल ऑफ फुल मार्क्स, ठीक है ना, 30 में 30 कैसे ले आया? तो आप समझते क्यों नहीं, मैं यार अपनी मैं पढ़ाऊंगा सारी आप लोगों को मैथ इस चैनल के माध्यम से, मैथ्स वॉरियर के चैनल के माध्यम से आपको सारी डिटेल, एक एक चीजें कवर करूंगा आप लोगों को, फ्रैक्शन, सिंप्लीफिकेशन, 2D, मेंसुरेशन, एलजेब्रा, जो भी क्वेश्चन आते हैं ना, और कैसे हिट करना आपको सारी चीजें विधिवत तरीके से, आपको एक एक चीज बताऊंगा। मैं कैसे लाया थी, सही बताऊं तो मैं 30 में 30 मैं भी नहीं ला पाता, मेरे 26 क्वेश्चन तो इजिली हो गए थे, आपको सही बताता हूं मैं, 26 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन मेरे इजिली हो गए थे, 4 से 5 क्वेश्चन मेरे ही फंस रहे थे। मैंने कैसे हिट करा उनको, एक दो क्वेश्चन तो मतलब बिल्कुल हार मान ली थी मैंने कि यार नहीं होने हैं, लेकिन उनको मैंने कैसे कवर करा, मैंने उनको कवर करा ऑप्शन से। यार टीटी में कहीं ना कहीं ऑप्शन जो दे रहे हैं ना, इतने सिंपल से देते हैं ना कि आप जल्दी से जल्दी उनको हिट कर सकते हैं, यार ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा, ये हो जाएगा, या दो ऑप्शन मान लो ये होगा, इन दोनों में कोई हो सकता है, ये दो ऑप्शन आप उसमें क्वेश्चन में अप्लाई करो, देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो यार ऑप्शन भी कहीं ना कहीं बहुत, देखो पहले क्या था, पैटर्न था आपका रिटर्न में, तो रिटर्न में आपको करना ही था, तो आपके लिए कोई ऑप्शन नहीं था, लेकिन अब आपके पास मल्टीपल चॉइस पेपर आता है, ठीक है ना। मल्टीपल चॉइस का मतलब है आपके पास चार क्वेश्चन होते हैं, चार ऑप्शन होते हैं, चार ऑप्शंस में आपको एक ऑप्शन चुनना होता है, या तो एक तरीका हो गया आप हल करें पूरा, ठीक है ना, पूरा सोल्यूशन निकालें उसका, और एक होता है यार ऑप्शन से भी हिट कर सकते हैं, जो चीज ऊपर से नहीं आ रही ना उसको नीचे से हिट करा जा सकता है आपको। अब क्या मतलब है यार, आपको वो नहीं देखना है कि आपने स्टेप कैसे करा, आपने एक बार में करा, दो बार में करा, तीन बार में करा, आपने पूरे पेज में करा, आपने पूरी किताब से करा, पूरी कॉपी से करा, मतलब नहीं है आपको उनसे, ये मतलब है आपका आंसर सही है, आपका ऑप्शन सही है, उनसे केवल इतना मतलब है आपका गोला ठीक, आपने जो गोला भरा है वो ठीक भरा है कि नहीं भरा है, उनको केवल इससे मतलब है, तब आपको एक नंबर मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा, ठीक है। अब पहले क्या था, रिटर्न में था, तो यार आपके भाई क्या होता ना, स्टेप बाय स्टेप मार्किंग होती है, आपने देखा है ये स्टेप इन्हें सही करा, चलो 0.2 नंबर दे देते हैं, दूसरा स्टेप सही करा 0.3 दे देते हैं, ये स्टेप गलत हो गया इसके नंबर काट लिए, देन आपके पूरा एक नंबर में से आपको 0.5 नंबर मिल गए, ठीक है ना, दो स्टेप आपने ठीक करे। लेकिन अब इसमें क्या है, आपने 10 स्टेप में कराओ, 50 स्टेप में कराओ, 100 स्टेप में कराओ, उनसे कोई मतलब नहीं, आपका ऑप्शन सही होना चाहिए, ये मतलब है उनका। तो यार जब ऑप्शन से ही मतलब आपको यार, तो स्टेप्स क्यों ना कम कर लिए जाए, क्यों इतना टाइम लगाया जाए, समझ रहे ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं, 10 स्टेप में क्यों करा यार, ऑप्शन से लो, अप्लाई करो क्वेश्चन में, आंसर लीजिए, टिक करिए आगे बढ़िए, बोला भरिए आगे बढ़िए, समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूं। तो यार ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं बता देता हूं आप लोगों को सारी चीजें, सारा एक एक टॉपिक यार मैं कवर करूंगा, तो आप लोग इस चैनल से जुड़े रहिए और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन दबाइएगा, ताकि आप लोगों को तुरंत तुरंत अपडेट मिलती रहे और मैं सारी चीजें आपको विधिवत तरीके से बताऊंगा। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं बताता हूं, आज का जो टॉपिक है वो है भिन्न, यानी कि फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं कि फ्रैक्शन होती क्या है। अब देखिए फ्रैक्शन होती है यार, देखो इनकी डेफिनेशन मैं एक एग्जांपल से आपको बता देता हूं क्या है। देखिए p/q के फॉर्म में हो, क्या हो, p/q यानी p/q, जैसे हम लोग बोल देते हैं 2/3, 4/5, 1/3, ठीक है ना, p/q के फॉर्म में हो, जहां q≠0, जहां q≠0 है। बस ये ध्यान रखिएगा, जो नीचे वाली संख्या है जो q है वो 0 नहीं होना चाहिए, बस इस चीज का ध्यान रखिएगा, अदरवाइज सारी भिन्न है,
ठीक है, क्यू जहां आ गया वो भिन्न नहीं होगी, वो अपरिभाषित हो जाता है, अनडिफाइंड हो जाता है, क्योंकि उसको डिफाइंड ही नहीं करा है, इतने सारे मैथमेटिशियंस है, सारी चीजें हैं, तो उसको अनडिफाइंड की कैटेगरी में रख के उसको किनारे कर दिया गया है, उसको डिफाइन नहीं करा सकता। अब देखिए p बाई क्यू के फॉर्म में हो, अब एक चीज देखते हैं, p ऊपर है और q नीचे है, दो चीजें हो गई। अब यार अलग अलग नाम भी तो होंगे इनके, कि p को क्या बोलते हैं q को क्या बोलते हैं, ये भी चीज होगी। तो p को बोलते हैं अंश, यानी कि नॉमिनेटर, और q को क्या बोलते हैं, हर, ये क्या हो गया डिनोमिनेटर, q हो गया, p हो गया आपका अंश, नॉमिनेटर ये हो गया, और q हो गया हर डिनोमिनेटर। तो अब नाम भी पता चल गए, p by q के फॉर्म में, यानी अंश बटे हर के फॉर्म में हो, जो ऊपर वाली संख्या होगी उसे हर बोलेंगे, अंश बोलेंगे, और नीचे वाले को हर बोलेंगे, ठीक है ना। अब ये देखिए p और q होने क्या चाहिए, q तो हमने बता दिया जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक, q q p और q दोनों पूर्णांक होने चाहिए, पूर्णांक समझते हैं, पूर्ण अंक, यानी कि आधा, चौथाई, तिहाई, ये नहीं हो, पूर्ण अंक यानी दो, तीन हो, चार हो, पांच हो, आठ हो, दस हो, ये पूर्ण अंक होने चाहिए, ठीक है, संख्याएं होनी चाहिए, ये चीज होगी ईटीसी। ओके, अब एक चीज सीख लिया आपने, p बाई क्यू के फॉर्म में होंगे और q नॉट इक्वल टू जीरो होगा, p को हम अंश बोलेंगे, q को हम हर बोलेंगे, p और q पूर्णांक होंगे। अब भिन्न होती है कितने प्रकार की, ये मैं बताऊंगा, भिन्न देखिए, भिन्नों में तीन प्रकार की, पहली हो गई प्रॉपर, ठीक है, यानी कि उचित भिन्न, ठीक है, दूसरी हो गई इम्प्रॉपर, यानी कि अनुचित भिन्न, ठीक है, तीसरी होगी आपकी मिक्स फ्रैक्शन, यानी कि मिश्रित भिन्न, ठीक है, ये आपकी तीन प्रकार की होगी, प्रॉपर, इम्प्रॉपर और मिक्स फ्रैक्शन, ठीक है। अब प्रॉपर कौन सी होती है, इम्प्रॉपर कौन सी होती है, मिक्स, मिक्स से तो आप परिचित होंगे कि आप चार से एक बटे तीन अधिकतर लोगों को पता रहता है, लेकिन प्रॉपर और इम्प्रॉपर कौन सी होती है ये कुछ लोगों को नहीं पता होता है। देखिए मैं शुरुआत से चल रहा हूं, इसके बाद सारी चीजें बताऊंगा, इसके बाद बताऊंगा यार अवरोही क्रम में कैसे लगाएं, आरोही क्रम में कौन से लगाएं, कौन संख्या एक तो बड़ी है, एकदम से हिट कर लेंगे, देखते ही आप टिक लगाएंगे यार कौन सी बड़ी संख्या है, या अवरोही में मुश्किल से 30 सेकंड 15 सेकंड लगाएंगे आप अवरोही क्रम में लगा देंगे, आरोही क्रम में लगा देंगे, ठीक है, तो उस चीजों पर ध्यान रखिएगा। तो देखिए प्रॉपर हो गई उचित भिन्न, अब उचित भिन्न होती कौन कौन सी, देखिए एक चीज इसकी डेफिनेशन आप जान लीजिए, इसकी डेफिनेशन होती है, ये मैं रफ कर दे रहा हूं पहले, देखिए प्रॉपर हो गई जिसका अंश छोटा, क्या बात समझ में आई, जिसका अंश छोटा हो, अंश छोटा हो इसका मतलब क्या हो, एक बटे दो, अंश वाला मैंने बताया था, अंश होता है ऊपर वाला, हर होता है नीचे वाला, ठीक है। अब एक बटे दो, अंश छोटा है और हर बड़ा है, तो एक हो गई बड़ी, एक छोटी संख्या हो गई, दो हो गई बड़ी, अब इतना तो पता ही होगा एक बड़ी है कि दो बड़ी है, दो बड़ी यानी कि हर बड़ा है और अंश छोटा है, तो ये आपका एग्जाम्पल हो गया प्रॉपर फ्रैक्शन का, ठीक है, एक बटे दो हो गई, तीन बटे चार हो गई, छह बटे सात हो गई,
चार बटे नौ हो गई, ये सारी ऐसे ऐसे आप बहुत सारी प्रॉपर फ्रैक्शंस निकाल सकते हैं, जितनी चाहें उतनी। ठीक है, अब एक चीज मैं और बता देता हूं कि यार देखिए अभी तो ये इनका जो मासा है या जो भी इनका मल्टीपल है वो नहीं। अब जैसे मान लो एग्जांपल बता दे, दो बटे चार ये प्रॉपर है इम्प्रॉपर है मिश्रित है क्या है, तो इस बारे में जरूर बात करेंगे। अब देखो ये इसको अगर आप काटेंगे तो एक बटे दो आएगा, यानी कि करा क्या गया है, एक में दो का गुणा करा गया है, दो में दो का गुणा करा गया है, यानी कि ये जो एक बटे दो मेन थी, जो सबसे पहले इनिशियल जो भिन्न थी एक बटे दो थी, ये इसका मल्टीपल है दो बटे चार, तो प्रॉपर तो ये भी है, ऐसी बात नहीं दो बटे चार है ये प्रॉपर है, लेकिन ये इसका एक बटे दो का मल्टीपल है, दो का गुणा कर दिया। अब यहीं पर जैसे मालूम तीन का गुणा कर देते हैं, इनिशियल जो थी आपकी फ्रैक्शन गुणा तीन कर दिया तो कितनी हो गई, तीन बटे छह, भिन्न है प्रॉपर है लेकिन मल्टीपल है तीन, इस वाली वन बाय टू का थ्री मल्टीपल गया, समझ गए आप। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो प्रॉपर भिन्न कौन सी हो गई, जिसमें अंश छोटा होता है और हर बड़ा होता है वो प्रॉपर भिन्न कहलाती है। ठीक है, आप ऑप्शन देखिए, पूछा भी जा सकता है प्रॉपर भिन्न कौन सी होती है, चार आपके ऑप्शन दे दिए, एक बटे दो दे दिया, ठीक है चार बटे तीन दे दिया, ठीक है चार से दो बटे तीन दे दिया, या इनमें से कोई नहीं, ये आ गया मान लो क्वेश्चन नंबर एक, क्वेश्चन आ गया ये मान लो। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आ गया एक बटे दो चार बटे तीन चार से दो बटे तीन ईटीसी, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज, एनओटी आ गया। अब आपको चूज करना है इसमें से कौन सा है, उन्होंने लिख दिया कि प्रॉपर भिन्न कौन सी है, तो आप कौन सा टिक लगाएंगे, आप तुरंत देखेंगे किसका आंसर अंश छोटा है एक बटे दो, तुरंत टिक लगाएंगे खत्म बात। चार बटे तीन यानी इसका यार अंश बड़ा, ये हो नहीं सकती, ये मिश्रित है, नन ऑफ दीज ये भी गलत है, तो आप क्या लगा देंगे एक बटे दो। ठीक है, आप समझ गए। अब बात करते हैं इम्प्रॉपर की, अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न कौन सी होती है, सबसे पहले इसका डेफिनेशन बता देते हैं, जिसका अंश बड़ा होता है ठीक है। अब डेफिनेशन बनाने तो बड़ी बना देंगे, जिसका अंश बड़ा होता है और जिसका हर छोटा होता है, यार एक चीज देखो छोटी सी लाइन देखो, जिसका अंश बड़ा तो हरा मतलब छोटा ही होगा यार, अंश और हर में कंपैरिजन हो रहा है, तो अंश जब बड़ा होगा तो हर छोटा होगा, सीधी सी बात है। अब डेफिनेशन में ये मैं जोड़ू, जिसका अंश वो है फ्रैक्शन जिसका अंश बड़ा होता है अथवा जिसका हर छोटा होता है वो इम्प्रॉपर अनुचित भिन्न कहलाती है। इतना बड़ा अब तुम्हें याद करने के लिए दे दूं मैं, ये लिखना इसको याद करके ले आओ, क्या मतलब है उसका, कोई मतलब नहीं है ना। अब इतना ध्यान रखो, जिसका अंश बड़ा होता है, अंश और हर में डिफरेंस हो रहा है, उसका अंतर देखा जा रहा है, तो फिर उसमें निकाला जा रहा है, तो फिर यानी कि हर छोटा होगा अंश बड़ा होगा, सीधी सी बात। यानी एक लाइन के डेफिनेशन के वाला याद रखे, जिसका अंश बड़ा हो खत्म बात, वो हो गए डेफिनेशन। अब एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि चार बटे तीन ये क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, अंश बड़ा है ठीक है। पांच बटे दो, छह बटे तीन, तीन या दो ले लेते हैं, अब ये देख रहे होंगे कट रही है संख्या, फिर भी तीन बटे एक आएगा, वो भी प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगी ठीक है। अब आते हैं चार बटे तीन तो ले लिया है, नौ बटे पांच, ऐसे ही अनगिनत आप निकाल सकते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, कई सारी इतनी सारी निकल आएंगी कि आप निकालते निकालते कॉपी भर सकते हैं ठीक है ना। तो कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि बस बताने के लिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सी होती है, चार जिसका अंश बड़ा होता है, मेन मकसद क्या है, जिसका अंश बड़ा हो, चार हो गई पांच बटे दो हो गई, देखिए सब में आप देख रहे होंगे कॉमन चीज है अंश बड़ा है ठीक है। अब पेपर में क्या आप कैसे पूछेंगे, समझ रहे हैं आप, प्रॉपर में जैसे मान लो ऑप्शन दिया उन्होंने, अनुचित भिन्न बताइए, ऑप्शन दिए दो बटे तीन चार बटे तीन दो सही एक बटे पांच नन ऑफ तीन, पहला ऑप्शन दूसरा ऑप्शन तीसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन, तो आप तुरंत हिट करके बताइए, मतलब आपको अगर जैसे मान लो डेफिनेशन नहीं पता है तो आपको यार ये आप सवाल कर नहीं सकते हैं, इसकी बात की गारंटी मैं देता हूं। तो छोटी से छोटी चीज
स्टार्टिंग से एकदम लेके चले, ताकि यार कहीं से भी क्वेश्चन छूटने, नंबर 30 में 30 चाहिए मुझे, कितने चाहिए 30 में 30, मुझे 29 नहीं चाहिए, 28 नहीं चाहिए यार, मुझे 29 30 में 30 नंबर चाहिए, इसलिए मैं एकदम स्टार्टिंग से बता रहा हूं यार, कि अगर ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि ना कि अनुच्छेद भिन्न बताइए, तो अनुच्छेद भिन्न गलत नहीं होनी चाहिए यार आप लोगों की, कि यार ये चीज छूट गई यार 29 रह गया यार, दिक्कत एक एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, एक नंबर की अहमियत उनसे पूछे जिनकी कट ऑफ अगर 90 जा रही है, जिनके 89 नंबर रह जाए, अगर 95 जा रही 94 नंबर रह जाए, उनसे पूछिएगा कि एक नंबर से लोग बाहर हुए, कोई काउंसलिंग नहीं करा पा रहा है, तो आप देखिए तुरंत ऑप्शन क्या लगाएंगे इसका आंसर, 2/4/3, जिसका आंसर बड़ा हो 4/3, ये हो गई आपकी क्या उचित, ये हो गई अनुचित, ये हो गई मिश्रित, नन ऑफ दिस आंसर होगा नहीं इसमें, इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा 2, तुरंत आपने 2 नंबर का गोला भरा और आगे बढ़ गए, ठीक है तो समझ रहे ना। अब बात करते हैं मिश्रित भिन्न की, मिश्रित भिन्न आपको पता होगा लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं, मिक्स्ड फ्रैक्शन यानी कि मिश्रित भिन्न, मिक्स्ड फ्रैक्शन ये आपको सबको पता होगा, मुझे पता है कि आपने सब पढ़ा होगा, इसका तो मान लो कोई बनता नहीं लेकिन अब वो है प्रकार टाइप्स हैं तो मैं बता दे रहा हूं। अब जैसे कि ये मिक्स फ्रैक्शन होती क्या है, इसकी डेफिनेशन देखो, परिभाषा देखिए, परिभाषा होती है जो दो भागों में हो, कहने का मतलब है कि दो भागों में होती है मिक्स फ्रैक्शन, जिसमें एक संख्या होती है पूर्णांक, पूर्ण अंक होता है, और एक होती है फ्रैक्शन, दो भागों में बटी होती है हमेशा मिक्स फ्रैक्शन, जहां देखोगे वो दो भागों में मिलेगी आपको, जैसे कि कोई अगर एग्जांपल लेता हूं मैं 4 सही 1/3, तो देखिए जो 4 है वो पूर्णांक है, यानी कि पूर्ण अंक है, तो 4 हो गई आपकी पूर्णांक, और 1/2 हो गई आपकी, 1/3 हो गई आपकी फ्रैक्शन, यानी कि दो भाग है आपको मिल रहे हैं, मिक्स का मतलब ये मिश्र, दो चीजों को मिलाया जाता है, मिश्रित क्या होता है दो चीजों को मिलाना, ठीक है, कोई भी दो चीजें जब मिलाओगे वो मिश्रित कहलाएंगे, यार मिश्रित है ये चीजें, इन दोनों से मिलकर बनी हुई है, तो 4 और 1/3 तो अलग अलग चीजों से मिलकर बनी है ये फ्रैक्शन, उसे क्या कहेंगे मिश्रित फ्रैक्शन, यानी कि 4 सही 1/3 ये मिश्र है। अब इसको लिखते कैसे, अब इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 4 + 1/3 यानी कि 4 × 12 = 13/3। अब जल्दी से बताइए ये प्रॉपर है इम्प्रॉपर है, 13/3 प्रॉपर है इम्प्रॉपर है, मिक्स है कि नॉन ऑफ दीज है, तुरंत आप बताएंगे ये इम्प्रॉपर है क्योंकि इसका अंश बड़ा है, जब ये 4 से 1/3 के फॉर्म में थी तब ये मिश्रित संख्या थी, जब इसको हमने एक फॉर्म में ला दिया यानी कि जोड़ दिया चीजों को मिला दिया तब संख्या हो गई एक, जब दो अलग अलग चीजें थी आपने मिक्स करा, ठीक है मिक्स फॉर्म में अलग अलग चीजें दिख रही है, ठीक है तो आप यार सीधी सी बता सकते हो यार दो अलग अलग चीजें हैं, इसमें दो अलग अलग चीजें हैं मिक्स हैं, मिक्स हैं, और यही अगर यार चीनी में हम मान लो पानी में चीनी मिला देते हैं तो यार अलग अलग पहले चीनी आपको दिखाएं, हम चीनी दिखाएं पानी दिखाएं, ठीक है कहो यार दो चीजें हैं अलग अलग है, दो बीकर रखे हुए हैं यानी कि इनको अलग अलग दो चीजें हैं मिक्स हैं, ठीक, और जैसे आप इनको मिक्स करेंगे, मिक्स करने के बाद आप थोड़ा सा हिलाएंगे तो आप देखोगे एक हो जाएगी, इसके बाद एक अलग पर्सन अननोन पर्सन को आप दिखाइए कि यार इसमें कितनी चीजें हैं, वो कहेंगे यार एक ही तो चीज है पानी है, क्या कहेंगे पानी है, लेकिन क्या था इसमें मिक्स था, दो चीजें मिक्स हो चुकी थी तब एक लग रही थी, यानी जब दो चीजें मिक्स हो गई जब एक लग रही है अब ये एक हो गई संख्या, ठीक अब ये मिश्रित नहीं रही, मिश्रित थी 4 सही 1/3 ये हो गई आपकी इम्प्रॉपर, समझ रहे ना अनुचित फ्रैक्शन 13 सही जिसका अंश बड़ा हो, एक क्या चीज बताई थी मैंने अंश बड़ा हो यानी कि 13/3 इम्प्रॉपर हो गई, तो एक चीज आपको इस टॉपिक समझ में आ गई कि प्रॉपर कौन सी है इम्प्रॉपर कौन सी है और मिक्स कौन सी है। तो आज के सेशन में हमारा केवल मकसद यही था कि सारे एग्जाम्पल बताए को क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम में, ठीक है ना, मैं एकदम स्टार्टिंग से लेना चाहता हूं यार, इसीलिए एकदम शुरुआत से कोई चीज एक पॉइंट भी आपका छूटे नहीं है, अगर अनुचित पूछ दें तो आपका यार आंसर सही होना चाहिए, क्योंकि मैंने देखा था मैंने जबकि मानो मुझे आती थी मैं थोड़ी बहुत, तो मैं
थोड़ी सी ये था कि मैंने यार स्टैटिक्स एक एक चीजें मतलब जो रफली जैसे मतलब वन लाइनर क्वेश्चंस होते हैं ना मैथ में, क्या होता है मैथ आप देखते होंगे कि जब मैथ की बात आती है तो हमेशा न्यूमेरिक्स की बात आती है कि न्यूमेरिक्स आते होंगे 2+2=4 है, ये मैथ है। लेकिन यार थ्योरेटिकल भी मैथ होती है थोड़ी सी, उस चीज को भी ध्यान रखना है आप लोगों को कि थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी अगर 2-3 आ गए आपने उस चीज को कवर नहीं करा तो आपके 30 में 30 नहीं आ पाएंगे। तो मेरा मकसद है 30 में 30 लाने का आपका UPTET में, ठीक है। तो आज का सेशन पर यहीं से मैं, मुझे लगता होगा आप लोगों को यार समझ में आ गया होगा फ्रैक्शंस क्या है, ठीक है, इम्प्रॉपर उनके टाइप्स क्या है, सारी चीजें आपको मैंने इस सेशन में कवर कराई है। आपको मुझे लगता होगा आप लोगों को सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। जल्दी मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा जिसमें बताऊंगा कि फ्रैक्शंस जो है उनको आरोही क्रम में कैसे लगाएं, अवरोही क्रम में कैसे लगाएं, और अलग अलग देख के तुरंत कौन से बता दें कौन सी छोटी है और कौन सी बड़ी है, ठीक है ना, तुरंत की तुरंत। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप चैनल से जुड़े रहेंगे, तुरंत अपडेट मिलेगी आपको यार नया वीडियो आ गया, तुरंत देखिए और तुरंत आप जैसे ही देखेंगे आप कई लोगों से आगे हो जाएंगे, आप लोगों को चीजें समझ में आगे से आगे चलिए यार, ये नहीं कि 3 दिन का इकट्ठा हो जाएगा हम देखेंगे ना, आज का आइए आज का नोट्स बनाइए आज की चीजें कवर करिए, ठीक है। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, ओके बाय।